मैप इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज बात करेंगे राम सेतु के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा इस सवाल को सोचिए, अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है तो इससे भारत को क्या लाभ होगा? श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से भारत का व्यापार मजबूत होगा, भारत का ईरान के साथ व्यापार मजबूत होगा, पश्चिमी और पूर्वी तट के बंदरगाहों के बीच व्यापार में समय कम लगेगा, या फिर भारत का बांग्लादेश के साथ व्यापार मजबूत होगा? दरअसल सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपीए 1 सरकार में हुई थी, लेकिन राम सेतु संबंधी विवाद और पारितंत्र के खतरे को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत एडम्स ब्रिज को काटकर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ा जाना था, ताकि भारतीय जहाजों को दूसरी तरफ जाने के लिए श्रीलंका का पूरा चक्कर न लगाना पड़े। इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एडम्स ब्रिज को ही राम सेतु कहा जाता है, जो लाइमस्टोन शोल से बनी 48 किलोमीटर लंबी एक उथली श्रृंखला है। यह भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ती है।